हेलो गाइस, फिर से ब्ला ब्ला ब्ला। मैं एक और वीडियो बना रहा था पर बाद में कुछ गड़बड़ हो गई और यू सी नथिंग और ये चला मैं माइनक्राफ्ट में ब्ला 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 खाला खा साला बा बा वही छो। मेरे पास भी माइनक्राफ्ट है गाइस, तो अगर मेरा भी मैं इसका वीडियो बनाने का कोशिश किया पर हम दोनों में से किसी को नहीं आता है डाउनलोड करना। हाँ, मैंने hypersonic.exe का स्किन लिया है जिसमें मेरे पास नेदरराइट स्वॉर्ड जिसका नाम है नेदरराइट स्वॉर्ड ऑफ सोनिक एक्सी के। मैं इसको देखने वाला हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ जो अभी यहाँ पर बैठा है तो मैं तेरे को बता देता हूँ अंशु। हाँ, उसका नाम अंशु है। तो देख, है ना, जो ये स्वॉर्ड है ना, जब तेरा हो जाएगा ना हमारे साथ खेलने वाला, जब तू मेरे साथ खेलेगा तब हम लोग एक और बाद में एक चीज़ होगा। देखो गाइस, मैंने यहाँ पर एक पार्कोर बनाया है, मतलब यहाँ पर बस एक बेड रॉक है और अंशु को भागना है और मैं उसके पीछे भागूंगा इन क्रिएटिव मोड उड़कर। तो अंशु को जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ भागना है और अगर अंशु को ये दिख गया तब उसको जंप मारना है। देखो देखो, अंशु यहाँ पर बेड पर आकर रिस्पॉन पॉइंट उसका सेट होगा और मैं आ जाऊँगा। वैसे मैं सोनिक एक्सा का ये लेवल 1 ही है, मतलब ग्रीन हेल वाला हाइड एंड सीक का। इसके बाद आएगा इस वाले में टेल्स मरता है तो अंशु का नाम टेल्स हो जाएगा और बाद में जब टेल्स मरेगा तब नकल्स हो जाएगा, नकल्स मरेगा तब हो जाएगा। और अभी होने वाला है 5 4 3 2 1। जैसे ही अंशु उठेगा मैं उसके पीछे हो रहूँगा और बाद में जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूँ अंशु को यहाँ से भागना और जंप मार कर बचना और फिर जंप मारा और अंशु को बेडरॉक पाथ में ही जाना है क्योंकि जो ग्रास वाला पाथ होता है उसमें अंशु ज़्यादा जल्दी मर सकता है माइनक्राफ्ट में, जो ज़्यादा अननोन है। और अगर अंशु ऐसे अटक गया तब मैं अंशु के बहुत क्लोज आ जाऊँगा और जैसे ही अंशु ऐसे गिरेगा मैं उसको ख़त्म कर दूँगा। अब आएगा नकल्स, तब अंशु के पास थोड़ा सा एक पोशन होगा, स्पीड पोशन मैं दे दूँगा अंशु को। कहा गया यार स्पीड पोशन, स्विफ्टनेस चाहिए मेरे को। हाँ, और जैसे ही वो स्पीड पोशन पी लेगा बाद में उसको जितना तेज हो सके सोनिक की स्पीड में भागना है और वो उसको इतना बहुत तेज़ भागना है। इससे पहले मैं उसको कैचअप कर दूँ और उसके पास स्पीड पोशन है तो वो जल्दी भाग सकता है। और वो अगर वो ऐसे अटक गया स्पीड पोशन के चक्कर में तब मैं उसको बहुत क्लोज आ जाऊँगा। अंशु को बेडरॉक पाथ में जाना है और अगर वो फिर से गिर गया तो वो ख़त्म। पर अगर उसके पास एगमैन वाला आ गया तो इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, उसके पास आ जाएगा बस एक और पोशन पर ये वाला होगा जंप वाला। तो अभी मैं पी लेता हूँ जंप वाला, मेरे को पता नहीं इसलिए मैं जंप वाला पोशन पी रहा हूँ, जंप बूस्ट पोशन फॉर 3 मिनट्स पीऊंगा। फास्ट हो जाएगा और अभी देखो जैसे ही अंशु जंप मारेगा वो बहुत बड़ा जंप मारेगा और अगर वो अटक भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके जंप से वो जल्दी भाग पाएगा। और अगर मैं उसका क्लोज आ गया तब वो जंप जंप मारकर और भाग कर बहुत दूर चला जाएगा। तो ये सब पावर्स उसको कर सकती है और बाद में वो ऐसे ही जंप मार कर पहुँचने वाला है। और ऐसे ही जैसे ही वो पहुँचने वाला होगा और अगर वो नीचे गिरते गिरते बचा क्योंकि ये बहुत स्पीड जंप है और जैसे ही वो एंड पर आ जाएगा उसको को एक शॉट मिलेगी जिस शॉट का नाम होगा एक सेकंड मेरे को देखना था, इस शॉट का नाम होगा यहाँ पर जो मैंने अभी शॉट देखी है ना इसका नाम है नेदर, ये यहाँ पर प्लेस करो याद यही से देख लेता हूँ नेदराइट स्वॉर्ड ऑफ सोनिक एक्सी के का मतलब किल, इसलिए वो इस्तेमाल कर सकता है। और ये है पोशन, इस पोशन का नाम है, ये पोशन है स्प्लैश पोशन ऑफ किल सोनिक एक्सी, मतलब मेरे को पहले उठाने दो इसको, सर्वाइवल में जाकर उठा देता हूँ वरना ये टूट ही जाएगा। एंड आई डोंट वांट क्योंकि ये बस एक ही है। तो पहले अंशु को मेरे को ये पोशन देना होगा, इस पोशन का नाम है स्प्लैश पोशन ऑफ किल सोनिक ई एक्स, क्योंकि मैं ई
एक और नहीं लगा पाया तो स्प्लैश पोशन ऑफ सोनिक ईएक्स। और जैसे ही वो मैं पहले उसको पोशन फेंक रहा हूँ, अगर मैं ऐसे खड़ाऊँगा और बाद में मैं सर्वाइवल में आ जाऊँगा, अगर मैं उसको सोनिक ईएक्स नेदरराइट शॉट ऑफ सोनिक ईएक्स के से मेरे को मार डालना होगा, इससे वो बचेगा। और गाइस मेरे पास भी एक बहुत पावरफुल सोर्ड है जो कि एक सीक्रेट मेरे फ्रेंड को ही पता है, वो मैं हूँ। जैसे ही 1000 लाइक्स आ जाएगा मैं बता दूंगा। हाँ 1000 लाइक्स आएगा फ्यूचर में, तब तक मैं भूल जाऊंगा तो याद रखना कि मैं भूलने वाला हूँ। और बाद में एक मैं भूल जाऊंगा तो बाद में मैं यहाँ पर, और इस एप्पल का नाम है, अगर मैं उसको गलती से भी मार भी दिया तो इस एप्पल का मेरे को ये वाला पार्ट ब्रेक करना होगा। ये रहा, इस एप्पल का नाम है सोनिक ईएक्स गॉड एप्पल। इसमें होगा क्या कि जो मेरा एप्पल है ना वो सबसे स्ट्रांग वाला एप्पल होगा, जिससे और ये नॉच एप्पल भी है, ये देखो ग्लो आइटम पेन और ये और बहुत ग्लो होता है। और यहाँ पर दो सोनिक ईएक्स के स्वॉर्ड्स होंगे और अंशु को अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी लाइक दिस। पर अगर वो नहीं कर पाया तब मैं उसको सोनिक ईएक्स, तब मैं उसको अपने नॉर्मल डायमंड वाले स्वॉर्ड से खचा कर सकता हूँ। और मैं भी उसको अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से ना खचा कर सकता। हाँ पर तेरे को मेरी स्वॉर्ड यूज़ करनी होगी। नहीं तेरी सोड़ नहीं, मैं अपनी सोड़ भी। हाँ पर अगर, हाँ पर उस तेरे को वो सोड़ मेरे को देनी होगी और बाद में मैं उसको वो वहाँ प्लेस पर रखूँगा और बाद में जैसे ही तू सब कुछ कर लेगा तो यहाँ पर आकर अपने सोड़ से मेरे को ख़त्म कर सकता है। पर अगर तू कहीं पर भी नीचे गिर गया या फिर मैं तेरे क्लोज आकर तेरे को हिट कर दिया और तू मर गया, इसका मौत कर लो, यू लूज, मतलब तेरे पास 3 लाइफ्स है और तीनों लाइफ्स में तेरा नाम भी अलग अलग हो जाएगा, पहले टेल्स फिर नकल्स फिर एग्जाम। तो आज की वीडियो यही ओवर करते हैं, मैं बस यही बताने वाला था तो मैंने पिछली बार बोला ओके भाई नहीं, या फिर मैं जम्बू और मैं यहाँ पर पहले जम्बू पोशन जम्बू पोशन लगा देता हूँ। ओके तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम अगले वीडियो में लाइक and subscribe kiya hai na, otherwise this cat will die. Haan kar hi diye honge, kar diye na.